और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की हर खबरें होंगी, जिसका सीधा असर आपकी आमदनी, आपकी जेब से जुड़ा हुआ होगा। तो बिना वक्त गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। टेक्नोलॉजी छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स के शेयरों में कमजोरी रही, इससे शेयर बाजार फिर लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 241 अंक खिसक कर 60,826 पर लुढ़क गया, साथ ही निफ्टी 72 अंक नीचे 18,127 पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें जनवरी से लागू होंगी। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 3 से 4% तक बढ़ाई जाएगी। इससे टियागो ईवी के सभी वेरिएंट्स 30 से 35 हजार रूपए महंगे हो सकते हैं। पुरानी कारों और बाइक्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने 6 से 8 जनवरी तक गुजरात के वडोदरा में विंटेज कार शो आयोजित होगा। इसमें बेंटले मार्क 6 समेत करीब 200 पुरानी कारों और बाइक्स को दिखाया जाएगा। बजाज फाइनेंस के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। उसने एफडी पर ब्याज दर 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दी है। ये नई ब्याज दरें 15,000 से लेकर 5 करोड़ तक की एफडी पर लागू होंगी। जर्मनी की कार कंपनी नए साल पर अपने ग्राहकों को दो तोहफे देगी। BMW 7 सीरीज और i7 इलेक्ट्रिक सेडान 7 जनवरी को मुंबई में लॉन्च की जाएंगी।